हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। आज पूरा हिंदुस्तान अभिनंदन का अभिनंदन करेगा, पूरा हिंदुस्तान आज अपने बेटे का स्वागत करेगा। आज दुश्मन के गढ़ में दहाड़ कर शूरवीर पायलट अभिनंदन वापस लौट रहे हैं। आज पूरे देश की निगाहें वाघा बॉर्डर पर है। हिंदुस्तान का जाबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन आने वाला है। भारत ने ऐसा कड़ा रुख अख्तियार किया है कि इस्लामाबाद की एक नहीं चली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को खुद अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान करना पड़ा। ये जो टेंशन है ये ना पाकिस्तान को फायदा देती है ना हिंदुस्तान को फायदा देती है। मैंने जिस तरह कहा, मैंने कल भी कोशिश की नरेंद्र मोदी से बात करने की और सिर्फ ये डीएस्केलेट करने के लिए। हमने ये भी कोशिश की है कि बाकी अपने दोस्तों को भी, मैं शाम को मेरी बात हो रही है तुर्की के प्रेसिडेंट से भी, हम उनको भी कहेंगे कि इसमें करवाएं। लेकिन इसको, ये जो हम कोशिश कर रहे हैं डीएस्केलेशन की, इसको एक कमजोरी ना समझा जाए। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। भारत ने ऐसा सख्त रुख अपनाया कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को 30 घंटे के भीतर ही ऐलान करना पड़ा कि भारतीय पायलट को बिना शर्त रिहा किया जाएगा। आज विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी हो रही है तो पूरा देश अभिनंदन अभिनंदन कर रहा है। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को साफ कर दिया था कि बगैर किसी चोट के पायलट की जल्द रिहाई होनी चाहिए। सौदेबाजी का तो सवाल ही नहीं उठता है। गौरतलब है कि 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक करते हुए जैश के आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया था। इस बीच विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सुरक्षित उतर गए थे।